मेरा नाम अरसलान है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। आई एम ए ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट और मैं एक अपनी इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ इंपीरियल इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से। इसके अलावा लाहौर के अंदर मैं एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ अर्बन एथलीट ताइक्वांडो एंड फिटनेस स्टूडियो के नाम से, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 3 ब्रांचेज हैं जहाँ पर हम ताइक्वांडो और फिटनेस सेशंस करवाते हैं। सर कासिम से मेरी मुलाकात 2003 में हुई व्हेन आई वाज लाइक अ यंग बॉय। 9th के पेपर्स दिए हुए थे, मैट्रिक उनके पास आके किया, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लाइक एवरेज मार्क्स से 70-72%। तो सर कासिम ने एक बात की कि बेटा यू कैन डू इट और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस टाइम एक स्टूडेंट था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, ही स्कोर्ड लाइक 372 मार्क्स आउट ऑफ 425 मार्क्स एंड आई वाज शॉक्ड कि ही इज़ अ सुपर ह्यूमन, हाउ ही कैन स्कोर सच मार्क्स। तो खैर वक्त गुजरता गया, साल गुजरा और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था। आई डिड टॉप इन माई स्कूल इन मैट्रिक, आई डिड टॉप इन माई अकेडमी एंड माई स्कोर वॉज 378 आउट ऑफ 425। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि इसमें सुपर ह्यूमन होना कोई बात नहीं है, आपके जो टीचर के वर्ड्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं। इफ़ योर टीचर टेल्स यू दैट यू कैन, देन ट्रस्ट योर टीचर, यू रियली कैन। और अगर टीचर आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है तो ट्रस्ट मी, अगर आप करना भी जानते होंगे और आपके अंदर वो स्किल्स भी होंगे तो आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस है सर कासिम के साथ, जिसके बाद मेरा उन पर ट्रस्ट और बिल्डअप हो गया। सर कासिम के लेक्चर्स का हम शिद्दत से वेट किया करते थे, क्योंकि जब सर कासिम का लेक्चर होता था तो हमें आंख झपकना भी पता नहीं कि हमने कितनी बार आंख झपकी, वी वर जस्ट फोकस एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। और सर कासिम ने एक बार एक बात की लेक्चर के दौरान कि बेटा जाके ना अपने अलमारियों पर लिख दो ये वाली कोटेशन। वो कोटेशन मुझे आज भी याद है कि काहिल शख्स के लिए किंकर भी पहाड़ है और मेहनती शख्स के लिए पहाड़ भी किंकर है। एंड वी वर सच मोटिवेटेड के जाते ही मैंने अपनी अलमारी पे परमानेंट मार्कर से लिख दिया और वो आज भी लिखा है, मेरा बेटा भी उसे पढ़ता है। तो कहने का मतलब ये कि सर इतना मोटिवेट कर देते थे और हमें रियलाइज़ करवा देते थे कि येस वी कैन डू इट, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सर से सीखी स्टूडेंट लाइफ के दौरान, हम कहते थे सर ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे, तो सर हमें एक चीज़ सिखाया करते थे कि बेटा अल्लाह से कभी ज़्यादा नंबर नहीं मांगने, अल्लाह से बरकत वाले नंबर मांगने हैं। उस टाइम सर की बात नहीं समझ आती थी, छोटे थे, ले सर ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादा नंबर आएंगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए कभी भी, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट्स में मेरी एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो टॉपर्स थे वो बाद में स्पॉइल हो गए थे, उनके अच्छे मार्क्स उन्हें कभी भी आगे नहीं लेकर आ पाए, और हम चूंकि एक एवरेज स्टूडेंट थे तो हमारे एवरेज पन ने हमें मेहनत करना पुश करते रह गए, यू स्टिल नीड टू वर्क हार्ड, अभी मार्जिन है। तो शायद ये चीज़ हमें आगे लेकर आती गई और तभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब हम फाइनली यूईटी में आए, जहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन है यूईटी के अंदर, तो ये शायद सर कासिम की ही ग्रूमिंग थी और इतनी छोटी एज में उन्होंने हमें बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सिर्फ 2+2=4 लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो हमें एक चीज़ रियलाइज करवाते थे कि बेटा मार्क्स नहीं भी आए ना तो लाइफ ख़त्म नहीं है। उन्होंने हमारे फियर खत्म कर दिए थे मार्क्स लेने वाले, जो कि अक्सर स्टूडेंट डर रहे होते हैं कि यार मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे मोहल्ले वाले मेरे से बहुत तंग थे, सुबह बोर्ड का एग्जाम होता था और मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होता था, लेकिन मुझे पता था कि जो 4 घंटे मैं पढ़ के आया हूँ ना वो मैं वाकई पढ़ के आया हूँ, वो मैं फिर इधर उधर नहीं सोचता होता था। तो ये चीज़ सर कहते थे कि यार जितना काम करो फोकस के साथ करो, जो करो फोकस के साथ करो। जब आप अपना फोकस हटा लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं हो रहा है, फिर आप 12 घंटे भी पढ़ लें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट इफ़ यू आर स्टडिंग विद द फोकस, लाइक 4 आवर्स आपने पढ़ा और अच्छे फोकस के साथ पढ़ा, इस मेरी इस आदत से काफ़ी बच्चे ख़राब भी होते थे। वो कहते थे सलाम खेलना हमें भी खेलना चाहिए, कोई बात नहीं सुबह पेपर है, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे, बाद में वो जो है ना कहते यार तुम कैसे कर लेते हो। बेसिकली ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, जो मेरा प्रोफेशन है ना वो भी मेरा पैशन है। मैं यूईटी में बाय चॉइस गया था और ये फील्ड मैंने बाय चॉइस ही सिलेक्ट की थी, और मेरी प्रेफरेंसेस थी ना मैं दोबारा री एंट्री टेस्ट पे गया कि नहीं मुझे एंट्री टेस्ट दे के आगे प्रमोट होना है, हमारे बैच से काफ़ी लोग आगे मूव हुए थे, बट मैंने चूज़ कर ली क्योंकि मेरा ट्रस्ट था कि अगर मेरा इस फील्ड में नाम आया तो अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए बेहतरी रखी है। तो मेरे ऑफिस में एक अकाउंटेंट होते थे जुनेद साहब, मुझे उनका जुमला याद है, देखें अच्छे लोगों के जुमले याद रह जाते हैं, मुझे कहते होते थे सर कोई भी फील्ड है ना उसकी पीक पोजीशन हमेशा खाली रहती है, अगर एक मोची भी है ना तो देर विल बी या मोची जो कि किसी प्रेसिडेंट या हाई लेवल की क्लास को डील करता होगा। तो फील्ड कोई भी हो, यू नीड टू गो टू द टॉप।
अगर आप टॉप पे चले जाते हैं यू आर बेस्ट एंड यू आर सक्सेसफुल, फील्ड मैटर नहीं करती पे. तो मैंने जो जिधर मेरा एडमिशन हुआ मैंने उस पर फोकस किया, मेहनत की, और मैंने ये सोचा था कि यार अब यहाँ से जब निकलूँगा ना तो मेरे पास इसकी पीक पोजीशन होनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन है, और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जितने बैच हैं आई वॉज अमंग दो स्टूडेंट्स जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने फाइनल थीसिस के साथ एक कंबाइंड प्रोजेक्ट भी करें, और हमें मौका ये मिला कि हम स्टूडेंट्स को मलेशिया जाने का मौका मिला. मेरे साथ मैकेनिकल के मेरे फ्रेंड थे, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी का था, साथ मेरा यूनिवर्सिटी का थीसिस चल रहा है जिसकी मेरी प्रॉपर ग्रेडिंग होनी है, साथ एक ये प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि मेरा शौक था. प्रोजेक्ट ये था कि हमने एक फ्यूल एफिशिएंट कार डिज़ाइन करनी थी. अल्हम्दुलिल्लाह कार डिज़ाइन की, स्पॉन्सर्स नहीं थे, उसके लिए एफर्ट की, भागे, बड़ी मेहनत, ये एक लंबा टॉपिक है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, वी वर सक्सेसफुल टू कन्विंस एन इंडस्ट्रियलिस्ट के सर वी मेड दिस कार, जो कि पहले कह रहे थे यार तुम लोगों ने गाड़ी बनानी है, बाद में उन्होंने कहा कि यू डिड इट, क्या चाहिए? मैंने सर मलेशिया जाना है, पासपोर्ट भेज दो. पासपोर्ट भेज दिया एंड वी वेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन आवर फाइनल ईयर ऑफ यूईटी. तो अच्छा, उस प्रोजेक्ट में जब हम गए वहाँ पर हमने अपना सारा प्रोजेक्ट पेश किया, सारा कुछ हुआ, और वहाँ की भी हमारी एक अचीवमेंट ये है कि वहाँ पर हमें बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन अवार्ड मिला मलेशिया के अंदर, जहाँ पर पूरे एशिया से टीम्स आई थी, जहाँ पर चाइना था, जापान था, मलेशिया, फिलिपीन, इंडोनेशिया, सारे तरक्की याफ्ता मुल्क वहाँ पर मौजूद थे, और उनके अंदर आपको बेस्ट इनोवेटिव डिज़ाइन अवार्ड मिले और आपको स्टेज पर कॉल करके प्राइज़ दिया जाए, तो मेरा ख्याल है ये आपके कंट्री के लिए ऑनर की बात है. ब्लैक बेल्ट बेसिकली मार्शल आर्ट मैंने 2001 में स्टार्ट की, ये मेरा शौक था, और इस शौक को कंटिन्यू करते करते करते, शुरू में फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मेरे फादर ने कहा यस यू कैन डू इट डू, लेकिन मेरे दादा कहते थे यार क्या तुम जाके टांगे मारते रहते हो. बट व्हेन आई वन फर्स्ट मेडल तो ही रियली अप्रिशिएटेड मी, एंड उन्हें लगा कि यार ये कुछ चीज़ है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि येस इट्स नॉट ओनली दिस दिस दिस, यू हैव टू, इसमें बड़ी आगे फ्यूचर भी है. उन्होंने फिर मुझे प्रमोट किया, इवन मेरे फादर की डेथ के बाद भी वो मेरी पूरी बैक करते थे, मैं कहीं पर भी गया, किसी टूर पर भी गया, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में मैंने अपनी ब्लैक बेल्ट ली अपने क्लब से, और उसके बाद मैंने अपने क्लब में ही कोचिंग स्टार्ट की. उसके बाद जब प्रोफेशनल कोचिंग, अगर आप कहें कि मैंने जब अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया तो इट्स लाइक 3 ईयर्स बैक, जब मैंने अपना क्लब रजिस्टर करवाया, और क्लब रजिस्टर करवाने के बाद फिर मैंने उसकी ब्रांचेज ओपन करना शुरू की जब मुझे अच्छा फीडबैक मिला. साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी नहीं छोड़ी, जो ताइक्वांडो एजुकेशन थी मैंने उसको भी अपग्रेड करता रहा, और इंशाल्लाह अभी मज़ीद भी आगे अपग्रेड करता रहूँगा, क्योंकि लर्निंग आपकी हमेशा रहती है. तो जिस पैटर्न पर हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर कल्चर चेंज हो गया. पहली चीज़, जिस क्लास को मैंने टारगेट किया ना उस क्लास का मैं माइंडसेट चेंज करना चाह रहा हूँ. कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, कुछ अभी टाइम लगेगा. वहाँ पर एक कल्चर है समर कैंप का कि वो समझते हैं कि जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपकी पढ़ाई को स्पॉइल कर देती हैं, एंड यू शुड डू इट ओनली इन वेकेशंस. अब मैं उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ कि आई एम एन इंजीनियर, अगर मैं टॉप कर सकता हूँ इस फील्ड के साथ तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता, उसमें क्या कमी है. तो बहुत सारे पेरेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो फिर लेके चलते हैं, वो फिर पूरा साल क्लासेस करते हैं. तो जो पूरे साल क्लासेस करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फ्यू होते हैं. अब उनमें से भी फिर आगे फिर हमें छांटी करने पड़ते हैं. लाइक हम जब एक प्रोजेक्ट सामने रखते हैं कि जी ये एक इवेंट आ रहा है, वी वॉन्ट टू गो दिस, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर अफोर्डेबिलिटी लेवल आ जाता है वहाँ पर पेरेंट्स का, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती. हम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, लेकिन लोग अभी इस चीज़ को इतना समझते नहीं हैं, क्योंकि इतनी मीडिया फ्रेंडली ये सपोर्ट नहीं हुई, इसलिए इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढना एक बहुत टफ काम है, जिसकी वजह से जो बाहर जाने वाले एथलीट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है. लाइक मेरे अगर 50-60 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अभी गए हैं जो अफोर्ड कर सकते थे, बाकी 48 नहीं कर सकते थे, वो नहीं गए. अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंटेज है वो काफ़ी बड़ी है, और जितने इंटरनेशनल एथलीट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर मी. मेरे पास अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान और भी काफ़ी कंट्रीज इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहे जिनके स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेनिंग करते रहे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अभी भी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. एक्चुअली टीचर
टीचर आपके साथ हो, आपसे बात करे या ना करे, उस टीचर की इंस्पायरेशन आपके साथ होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर इंस्पायर्ड विद योर टीचर, यू विल कीप फॉलोइंग हिम। मीडिया इतना तेज़ हो गया कि इस टाइम आप फेसबुक ऑन करते हो, सबसे पहले खसर कासिम की वीडियो आ रही होती है, तो अगर आप 5 मिनट थोड़ा सा स्पेयर करके उसे सुन लेते हो तो मेरा ख्याल आपका टीचर आपके साथ है हर टाइम, और आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल रहे होते हैं। इसी तरह लकीली ये हुआ कि जब हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए तो सर का भी वो पीक आवर्स थे अपने, मतलब प्रोफेशनलिज्म के, सर भी उस टाइम अपने करियर को बहुत मतलब बूस्ट पे थे उस टाइम, तो सर की मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती थी। वो कभी गुजरांवाला में है, कभी किधर है, लाहौर में स्टे काफ़ी कम होता था, काफ़ी कोशिश करते थे कि हमारा कोई मैच, सर भी कहते होते थे कि यार कोई सेटिंग रखते हैं। यहाँ पर हम जो है अपने उस्ताद की वजह से पहचाने जाते हैं, और इस तरह का मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं। लाइक मेरे पास एक स्टूडेंट था और वो मेरे पास तकरीबन उसे 1 साल हो गया, उसकी मदर आती थी डेली से लेकर, उसमें काफ़ी कुछ बच्चे में मेडिकल इश्यूज भी थे सारे, खैर मैंने उस पर काफ़ी वर्किंग करके है, नाउ ही इज़ अ गुड बॉय और एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो 1 साल बाद उसकी मदर मेरे कहा, सर आज मैं एक बहुत अच्छा सेमिनार अटेंड करके आया हूँ। तो मैंने कहा अच्छा गुड, कौन ट्रेनर थे? मैंने कहा कासिम साहब हैं, आप उन्हें जानते हैं? मैंने कहा वो मेरे टीचर हैं। मेरा ये कहने की बात ही कि उनका एटीट्यूड मेरे साथ और पॉजिटिव हो गया, और उन्होंने कहा सर आपके एटीट्यूड में मुझे थोड़ी सी उनकी झलक नज़र आती है और मुझे खुशी है मेरा बच्चा सेफ हैंड्स में है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अप्रिसिएशन और हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है जहाँ पर हम अपने टीचर का नाम लेते हैं। टीचर की तो यूजुअली लाइफ में ये होता है कि टीचर पहचाना जाता है अपने बच्चों की वजह से, और हमें अप्रिसिएशन मिलती है अपने उस्ताद की वजह से। मेरे पास कैनेडा से, सऊदीया से, डिफरेंट कंट्रीज से सर की वीडियोज़ आती हैं, लाइक मोटिवेशनल वीडियोज़, तो मुझे बताते हैं यार आपने इस बंदे को सुना है, ही इज़ अ वेरी गुड। मैं कहीं मेरे टीचर हैं, तो जब मैं उन्हें बताता हूँ मेरे टीचर हैं तो मेरी पहले से भी ज़्यादा रिगार्ड मेरा करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक समझ लें कि एक ऑनर की बात है कि हम एक ऐसे उस्ताद के स्टूडेंट हैं जिसको आज अल्लाह ताला ने भी बहुत सारा इज्जत दी हुई है। इट्स ट्रू कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा कोई उस्ताद नहीं है, मैं उनसे डिनाई नहीं करता क्योंकि उनका भी कोई ना कोई उस्ताद होता है, वो मान नहीं रहे होते। लाइक लाइफ उनका टीचर है, वक्त उनका टीचर है, जिनके पास टीचर होता है ना और जो मान लेते हैं कि यस आई हैव टीचर, जिनके अंदर ओबीडियंसी होती है, जो झुकना जानते हैं, उनका बेनिफिट ये होता है कि उन्हें मार कम पड़ती है। मतलब एक बंदा कहता है जी मेरे पास कोई टीचर नहीं है, मैंने मार खा के सीखा, ठीक है ट्रू, मैं उसे, ज़िंदगी उसकी टीचर है, वक्त उसका टीचर है, जो चीज़ उसने 10 साल में सीखी है ना मैंने एक टीचर से वो 1 साल में सीख ली है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 9 साल बचा लिए। ये कोई बहादुरी नहीं है कि मेरा टीचर नहीं है, आपका कहना कि मेरा टीचर है ये आपके लिए बायस इज़्ज़त वाली बात है। और यही हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि अगर आप ओबे करते हो तो आपको फल भी लगता है। तो मेरी लाइफ में अगर मेरी मदर के बाद किसी बंदे का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो सर कासिम है। एक्चुअली जब मैं सर कासिम से मिला ना, तो सर की मेरी मुलाकात से कोई तकरीबन 6 माह पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी। एंड आप समझ सकते हैं कि अगर आप अर्ली 9th क्लास में हुए और आपके फादर आपके सर पे हों इतनी छोटी एज में, तो देर आर चांसेस, मतलब आपकी लाइफ में चांसेस मौजूद होते हैं कि इतनी छोटी एज में अगर आपके फादर सर पे ना रहें तो आप आसानी से टी ट्रैक हो सकते हैं। आज मैं किसी चौराहे पर खड़ा सिगरेट भी पी रहा हो सकता था, नशा भी कर रहा हो सकता था। मैं अपनी उस डिसेबिलिटी को या जो एक गैप क्रिएट हो गया था मेरी लाइफ में, मैं उसको बहाना बना के किसी गलत साइड पे भी जा सकता था। तो अल्लाह ताला का मेरे पे करम है कि मुझे फौरन ही ऐसे टीचर्स मिल गए सर कासिम की शक्ल में, जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा दिस इज़ नॉट द एंड, लाइफ एंड नहीं है, ये भी स्टार्ट है। सिचुएशंस ही होती हैं जो आपको ऊपर भी ले जाती हैं, और सिचुएशंस ही होती हैं जो आपको नीचे ले जाती हैं। डिपेंड करता है आप सिचुएशंस में कैसा बिहेव करते हो। इफ़ यू बिहेव पॉजिटिव, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और आप देखें कि बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज आपने भी पढ़ी होंगी, जो कि फैमिली बिजनेस नहीं था जिनके पास, जो इतने अमीर कबीर लोग नहीं थे, और उन्हें सिचुएशंस इतने टफ सिचुएशंस मिली कि वही सिचुएशंस उन्हें बना गई। और ये सिचुएशंस ही होती हैं, ये हालात ही होते हैं जो कि इंसान को ऊपर ले जाते हैं और यही गिरा देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, लो जी मेरे साथ ये हो गया, और कुछ लोग उन्हीं कंप्लेंस को पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने ही फायदे में यूज़ कर लेते हैं। लाइक मैंने जब ताइक्वांडो क्विट की, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने क्यों क्विट की, वो मेरे लिए टाइम क्यों था, शायद उन दिनों में सर कासिम से काफ़ी दूर था, सर कासिम बिजी थे और मेरी उनके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं, मीडिया भी उस टाइम इतना क्विक नहीं था जितना आज, आप वीडियोज़ इजीली देख सकते हैं, सारा कुछ होता था, तो मैं इस वजह से क्विट कर गया, मैंने कहा फ्यूचर नहीं है। तो जब मैं वापस आया ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि फ्यूचर तो मैंने खुद बनाना था,
और अगर मैं ही क्विट कर गया तो फ्यूचर कहाँ से आना था। तो खैर जब मैं वापस आया और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया किया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं गया, मुझे अभी भी अगर मैं आज से स्टार्ट लूँगा तो आज से 10-15 साल बाद मैं किसी एक मुकाम पर मौजूद हूँगा। तो खैर मैंने दोबारा पॉजिटिव एनर्जी अपनी इकट्ठी की, अपने साथ टीम मेम्बर्स में लाए। मैं यहाँ पर अपने कोलीग का नाम लेना ज़रूर मैंशन करूँगा, रहमतुल्ला, जो कि अभी मेरी टीम को थाईलैंड लेके गए, इस टाइम वो थाईलैंड में ही है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे कुछ इंजरीज आई लाइफ में, कुछ एक्सीडेंट्स हुए जिसकी वजह से मैं 3-3 महीने बेड रेस्ट पे गया। मेरे पीछे उन्होंने तीनों ब्रांचेस को देखा और बहुत अच्छे तरीके से उसे चलाया। और मुझे खुशी आई, ये वही बात है कि अच्छे दोस्त भी आपके जो है ना ब्लेसिंग्स होते हैं। और उसने कोई नहीं देखा कि अर्निंग क्या है, क्या कुछ है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेरा ये कॉज है, करना है। उसने नहीं यस नो, आई एम कमिंग, कब से आना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मैंने बाद में दोबारा खींचने की कोशिश की अपनी टीम का पार्ट बनाने के लिए, मेरे बैचमेट थे। मुझे दुख होता था कि यार इन लोगों ने भी मेरे साथ एक वक्त गुजारा है टेक्वांडो के अंदर, अगर आज मैं फल खा रहा हूँ तो इन्हें भी खाना चाहिए। तो मैंने उन्हें बड़ा खींचने की कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन शायद उनके नसीब में वो नहीं था। ये चीज़ मैंने बहुत छोटी एज में सीख ली थी, लाइक वैन अभी मैं सर कासिम के पास गया था, लाइक 9th क्लास की बात है, 9th एंड था और 10th स्टार्ट था। तो सर ने जब ये चीज़ हमें उस टाइम सिखाई ना, तो मैंने उसी टाइम लाइन्स लगा ली। अब अगर मैं आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट काउंट करवाऊँ तो वो कभी आपस में नहीं मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, टू मच क्रिकेट, पागलों की तरह, सुबह शाम कोई हाल ही नहीं। मेरे क्रिकेट के फ्रेंड डिफरेंट थे, टैक्वांडो मैं करता था, टैक्वांडो के फ्रेंड मेरे डिफरेंट थे, मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई के फ्रेंड डिफरेंट थे, मैं टेबल टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस के मेरे फ्रेंड डिफरेंट थे। इट मीन सर ने एक बात की, बेटा अगर आपने कराची जाना ना तो कराची वाली ट्रेन पकड़ो, इस्लामाबाद वाली ट्रेन कभी आपको कराची नहीं लेके जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या इस बात के पीछे, मीन्स आपको उस तरह का हम सफर पकड़ना है जिस तरफ आप जा रहे हो। If you are going for the cricket, आपको क्रिकेट के प्रोफेशनल्स पकड़ने हैं, उनके साथ यारी बनानी है, फिर आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। टैक्वांडो सीख रहे हो, फिर आप ये नहीं कहोगे यार वो टैक्वांडो वो क्रिकेट वाला मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने तो उसके साथ बैठना है। अगर आप उसके साथ बैठ के कभी टैक्वांडो नहीं सीख सकोगे। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की कम्युनिटी, उस फील्ड के पॉजिटिव लोग ढूंढो, उनके साथ उठो बैठो, फिर आप एक्सेल करोगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे पढ़ाई वाले लोग ढूंढो, आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। आप अगर घूमना फिरना चाहते हो, मतलब मेरे अगर घूमने फिरने वाले दोस्तों की आप लिस्ट देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होंगे, वो दूसरी फील्ड्स में अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। हर फील्ड का एक्सपर्ट ढूंढें, उसके साथ रिलेशन बनाएं, और फिर आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे ग्रूम करती है। लेकिन हम लोग स्टिक हो जाते हैं यार ये फैसल मेरा दोस्त है, हर जगह यही चलेगा, हर जगह वो नहीं चलेगा। आप हर कंट्री में पाकिस्तानी रुपीज नहीं चला सकते, यू हैव टू कन्वर्ट। अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आप उस कंट्री में रहते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। लेकिन अगर आप स्टिक हो जाओगे, नहीं 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 मैं जाने नहीं भाई, मैंने सिर्फ पाक रुपीज़ यूज़ करने, मुझे पाकिस्तान से प्यार है या मुझे फैसल से प्यार, नो, ये बात बिल्कुल सही है। सर का मज़ा, सर का उठना बैठना हमारे लिए काफ़ी जो है ना, मतलब मेरे लिए काफ़ी लर्निंग थी। उनका बात करने का अंदाज़, वो अपने जो उनके स्टाफ था, कभी हमारे सामने किसी से बात कर रहे होते तो उनका बात करने का अंदाज़, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि वो अपने जूनियर से कैसे बात करते थे। दूसरी बात आपकी बात सही है कि वो जब लेक्चर में, वो उनकी एक आदत थी, वो कभी पिन पॉइंट करके बात नहीं करते थे। हमारे क्लास में बहुत सारे शरारती बच्चे भी थे, एक से बढ़ के एक थे, तो आज भी जब मैं सोचता हूँ तो जहन वहीं जाता, बड़े बड़े वाक़ियात हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि कर सर ने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई कि बेटा तुम ये और ये और ये। सर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। सर ऐसे अंदाज में बात कर जाते हैं कि अगला बंदा समझ जाता है कि ये बात मेरे बारे में हो रही है। अगर वो नहीं समझता तो ये फिर उसकी बदकिस्मती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे साथ तो वो आज भी वैसे हैं। मैं जब भी उनसे रابطے की कोशिश की है, मुझे उन्होंने कभी ये शो करने की कोशिश नहीं की कि आई एम द नंबर वन इन पाकिस्तान। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे साथ अभी आप वो आए थे, आपने देख लिया, वो मेरे साथ आज भी वैसे हैं और उसी तरह शफकत का हाथ रखते हैं सर पे कि यार ही इज़ लाइक माई किड। तो मेरे साथ आज भी वैसे हैं। हाँ, मैं अपने दोस्तों से जब सुनता हूँ नहीं यार सर बदल गए हैं, सर तो फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि यार एक टाइम आता है जब आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ जाते हैं तो आपको भी सर के साथ उनकी प्रॉब्लम समझनी है। सर जानबूझ के नहीं करते। एक बात याद रखना, जो बंदा जानबूझ के और अपना एटीट्यूड दिखाता ना, वो कभी नंबर वन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कभी उस बंदे को परमानेंट इज्जत नहीं देता जिसके अंदर ईगो होती है, या जो बंदा कहता है कि अब मैं बन गया हूँ ना बहुत कुछ, आप ऐसी की तैसी, नो। वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट है, और डाउनफॉल आते टाइम नहीं लगता, दिन चाहिए होते हैं, ठीक है।
तो सर आज भी हम्बल है, उतने ही हम्बल है। अभी पिछले दिनों मुझे याद है, मैंने सर से कहा, मैं कहा सर आप एक स्टूडेंट को जानते हैं, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा। कहते यार इस नाम के पता नहीं मैंने कितने स्टूडेंट हैं। सर उसकी मदर आपकी बहुत इज्जत करती है, वो कहती है सर तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहते यार मैं तो हर किसी की इज्जत करता है, मतलब सर हर किसी से इतने पोलाइट तरीके से और इतने जेंटल बिहेव करते हैं। अल्लाह ताला कभी उस बंदे को इज्जत नहीं देता जो कि प्राउड होता है। जिस दिन सर के अंदर भी प्राउड आएगा आपको रिजल्ट सामने आएंगे। अगर सर तरक्की कर रहे हैं आप जान लें कि पीछे कोई चीज़ है। वो आज भी अपने पेरेंट्स की उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं, वो आज भी अपने उस्तादों की उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं। हज़रत आसिफ अली वासिफ को भी किस तरह रिगार्ड देते हैं आप बेहतर जानती हैं। तो जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना उस दिन रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। मुझे सर में कोई चेंज नहीं नज़र आई, सर मेरे लिए आज भी उतने फ्रेंडली हैं, उतने मैं उनके साथ कम्फर्टेबल फील करता हूँ और उतने ही सिंसियर हो के वो मुझे सजेशन देते हैं। वाबस्तगी ज़रूर वैल्यू ऐड करती है, लेकिन अगर वाबस्तगी में ऑनेस्टी हो, अगर आप अपने उस्ताद के साथ सिंसियर हैं, अपने जो मेंटोर है उसके साथ सिंसियर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे मिलें, आप उससे बात करें या उससे सवाल करें। वाबस्तगी के साथ आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका ट्रस्ट अपने टीचर पे बहुत ज़रूरी है। फिर आप चाहे उससे मिलते हो या नहीं मिलते, वो दिल से भी आपको दुआ दे रहा होता है, उसकी बेस्ट विशेज़ आपके साथ होती हैं और यही उसकी बेस्ट विशेज़ हैं जो आगे आपको लेके जा रही होती हैं। लेकिन अगर आपके दिल में कहीं भी उस बंदे के बारे में कोई ना कोई पॉइंट है ना, लाइक एक कोटेशन है बड़ी फेमस आजवासी लगी, किसी की खामी आपकी खूबी नहीं बन सकती, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सर में भी कोई पॉइंट्स होंगे। मेरी दोस्तों से एक बहस हुआ करती थी, मैं एक मिनट ज़रूर ले रहा हूँ आपका, लेकिन मैं ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे क्लास फेलोज थे, उसी क्लास में बैठा करते थे। आज वो सर के बारे में कहते हैं लो जी, जिस तरह भी सर एक बात पॉइंट आउट करके गए कि यार सर ऐसे बस बात कर रहे हैं, ये है वो है। उन्होंने एक बात करता था, मैंने कहा यार उनकी बात से तुम्हारी ज़िंदगी में असर पड़ गया ना? हाँ यार वो तो पड़ गया। मैंने कहा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फैज मिल गया, बात खत्म यार, अपना काम करो। अगर तुम उस बंदे के अंदर पर्सनैलिटी से कीड़े निकालने लगोगे या उसकी खामियां ढूंढने लग जाओगे, तुम्हारा आगे का सफर ट्रेन मिस हो जाएगी। आपने पॉजिटिव चीज ली, पिक की, फॉरगेट इट, रन। जहां प्रॉब्लम आई दोबारा पॉजिटिव पिक किया, रन। अगर आपको नहीं यार इस बंदे में तो ये भी खामी है, यार जो 100 खूबी है वो तो पहले देख लो। आपका फोकस उस वन मिस्टेक पे है, जो 100 खूबी है उस बंदे के अंदर आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो। और ऐसे बंदे कभी तरक्की नहीं करते, वो सारी जिंदगी कोई सरकारी नौकरी कर रहे होंगे या किसी प्राइवेट नौकरी करते करते मर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में फैज नहीं होता। गाड़ी खरीद लेना तरक्की नहीं होती, ग्रेड अपग्रेड हो जाना ये तरक्की, मैं इसे तरक्की नहीं कहता। तरक्की यह रात को जब आप सो आपको अच्छी नींद आए, आपको आप सेटिस्फाई हो कि यार मेरी फैमिली मेरे से हैप्पी है, मेरे पेरेंट्स मेरे से हैप्पी है, मेरे टीचर मेरे से हैप्पी है, ये आपकी कामयाबी है। तो अगर आप कहोगे नहीं मेरा स्केल ही हो गया, मेरे पास ये गाड़ी आ गई, मैं सरकारी गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे पास इतने कनाल का घर है, दिस इज़ नॉट अ बेंचमार्क ऑफ अ सक्सेस कि यार आई अचीव दिस, इट्स नॉट।